गलती है, जो बंदा चोर हों तो दरवाजा बंद करता। सर दरवाजा खोलो। वीडियो हैगी सी साढ़े को, फोटो खिंचिया वीडियो हैगी है। अमृतसर के गुरु नानक देव हस्पताल की बेबे नानकी वार्ड एक बार फिर विवाद छा गई है। दरअसल तरन तारण के पट्टी के एक परिवार के वलों 6 साल की बच्ची को इलाज के लिए दाखिल करवाया गया सी, पर बच्ची के परिवार ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने बच्ची इलाज के लिए तड़पती रही, पर डॉक्टर इलाज करने की बजाय हस्पताल जन्मदिन मनाते रहे ते बच्ची की तड़प तड़प के जिस कारण मौत हो गई। बच्ची इतों 9 दिन तो दाखिल सी, इतने इतने बेबे नानकी हॉस्पिटल, तो इन्हें की किया डॉक्टर साहब अपना जन्मदिन मनाते रहे आ, तो बच्ची को अज 2 दिन तो इन्हें चंगी तरह देखा तक नहीं आ, तो अज तड़प तड़प के बच्ची की डैथ हो गई आ, तो अपना जन्मदिन मनाते रहे आ, तो बच्ची हाल नहीं देखे जी। डॉक्टर ना गल कदी हुई है, डॉक्टर हूँ भी कहें कहते जाओ चल जाओ जो तुम साढ़े ना गल नहीं तरीके का, हाँ क्या कोई गल नहीं, डॉक्टर साहब अब इतने इतने ही आने बुलाने उन्होंने डॉक्टर साहब ने, हाँ जी दी है जी। पुलिस का कहने भी सवेरे ताकि दरखास्त जी ये जोड़ा डॉक्टर बोर्ड है उन्होंने दी जाएगी। जवाब दिता उन्हें आख्या बीबी नानकी लै जाओ इत्थे लाए, इत्थे इन्होंने भी केयर कीती नहीं, उदो सानू दस दिंदे प्राइवेट लै जाओ लै जांदे जिथे परिवार ने इलाज दौरान डॉक्टर दे वल्लों बच्चे की देखभाल ना करन करके मौत होने दे इल्जाम लगाए ने, तां उत्थे डॉक्टर दे वल्लों बच्चे दे इलाज नूं लैके की कुछ कहना है वह भी तुहानूं सुना दिंदे आ। साडे कोल इन्हां दा बच्चा दाखल होया सीगा, वो बहुत ज़्यादा वह खून घट सेगा, 4.6 ग्राम के लगभग खून से, बाकी डॉक्यूमेंट्स देख के मैं तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी ना दस सकता, बट मैं याद है कि वह 4.6 खून से, बच्चे आते ही खून ट्रांसफ्यूज किया गया, बच्चे ने बहुत ज़्यादा सोजिश सी, उस तो बाद जो कि कहीं पेशाब है वो भी खून आ रहा है, पेशाब राही किडनियाँ वो सही काम नहीं कर रही थी, क्रिएटिनिन काफ़ी ज़्यादा डी रेंज से, इलेक्ट्रोलाइट काफ़ी ज़्यादा डी रेंज से, इन्हों डायलिसिस भी असं एडवाइज़ किया कल, बट इन्हों के घरद्या ने कहा कि असी नहीं डायलिसिस नहीं करवाना साडे बच्चे नूं, तुसी अगले सेंटर से रैफर कर दो, असी जिहड़ा हैगा अपना प्रॉपर ड्यू कोर्स जिहड़ा हैगा सरकारी वो फॉलो करते हुए असी MSR तो साइन करवा के इन्हों असी रैफर कर दिता हैगा। इन्हों के अटेंडेंट्स ने कल कहा भी असी डायलिसिस नहीं करवाना साडे बच्चे नूं, तुसी फर्दर जिहड़ा हैगा इन्वेस्टिगेशन लई करवा लो, असी इन्हों PGI जो भी प्रोटोकॉल बनता से उस भेज दिता, बट जिहड़े डायलिसिस वाले बच्चे होंदे आ उन्हां दा जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट हैगे आ वो इंबैलेंस होवे ते उन्हां नूं फर्दर कई प्रॉब्लम्स आ सकदियां रास्ते विच, रैफरल दौरान कई वारी जान जा सकती है, जो कि असी भी नहीं चाहते क्योंकि साडे भी जिन्ने भी पेशेंट है असी इसे तरीके नाल ट्रीट करते हैं कि वो ठीक हो जाण, बट कई बार कोई पेशेंट जिहड़े हैगे वो प्रॉब्लम आ सकती हैगी है। देखो तुसीं इह भी इहनां दा बिहेवियर किदां दा हैगा, साडे नाल किस तरीके नाल बिहेव कर रहे हो, तुसीं इहनूं भी रिकॉर्ड कर रहे हो किन्ने ज़्यादा साडे नाल अनकोऑपरेटिव तरीके नाल गल कर रहे हैं। देखो सारे मरीज कहिंदे कि डॉक्टर दबके मार दिया सानूं, दबके कित्थे मार रहे हैगे, अज इक डॉक्टर साहब दा जन्मदिन सी बट असीं उह सैलीब्रेट इन्ना ज़्यादा नहीं किया क्योंकि उहनां दी मदर दी डैथ होई हुई सी, थोड़ा पता किया। देखो ये की कहता सैलीब्रेशन जगह कई पार्ट हो सकती है बट असी वो बिल्कुल भी नहीं किया, महकमे नहीं किए, महकमे पार्टियां मना देखो पार्टी नहीं मनाई गई बट उन्होंने की कहता डेकोरेशन बर्थडे की नहीं हैगी वो कोई होर परपज नहीं, बट की कहता सारे जन्मदिन होंगे थोड़े भी होंगे साढ़े भी होंगे परिवार होंगे, जोड़ा सारा दिन वार्ड में किसी ने रहना 2 बजे ड्यूटी खत्म होने वेले एक केक स्लाइस खा ही सकता है कि नहीं खा सकते, इन्ना तो राइट हर किसी का है। हालांकि परिवार के वलों जिथे डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, तो उत्थे डॉक्टर के वलों कहा जा रहा है कि उन्होंने बच्ची नूं रैफर कर दिता सी, पर यह मामला इन्ना गरमा चुका है कि इत्थे मौके पर पहुंची पुलिस का की कुछ कहना वह भी थोनों सुना दिने। पता लगा भी इन्हें बेटी हॉस्पिटल वाले ने गा होर बेहतर इलाज नहीं जो रैफर करता है चंडीगढ़
ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਬਲੂ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।